हाय, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। इसमें हम आज सीखेंगे हाउ टू क्रिएट सब डोमेन, ओके, एंड हाउ टू डिप्लॉय एनी फाइल्स ऑन दैट सर्वर। सो ये हम करने वाले हैं, ठीक है। बढ़िया सा एक सब डोमेन बनाते हैं। ऑलरेडी मेरे पास एक डोमेन है, मैं ये सारा जो काम करने जा रहा हूँ hostinger.com पे करने जा रहा हूँ। सो मेरे पास डोमेन है, मैं इसका यूज़ करूँगा। सो अच्छे, जैसे आप मैनेज पे क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरीके का लेआउट ओपन होके आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब डोमेन पे क्लिक करना है जो कि डोमेन सेक्शन में है। यहाँ पे डोमेन का नाम दो अपने अकॉर्डिंग। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं टेस्ट वन देता हूँ, ओके। एक कस्टम फोल्डर भी चाहिए तो आप दे सकते हो, ठीक है। पब्लिक एचटीएमएल डायरेक्टिव चाहिए तो अभी आप दे सकते हो। सो मैं भी क्या करता हूँ, डिफ़ॉल्ट जो है उसके साथ जाता हूँ। सो लेट मी क्रिएट। सो एक सब डोमेन क्रिएट हो चुका है। अगर मैं अभी taste1.marketing.com अगर ओपन होता हूँ तो देखिए कुछ डिस्प्ले होता है कि नहीं। सो कुछ इस तरीके से आ रहा है मेरे पास कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, ओके। सो लेट गो इनसाइड फाइल मैनेजर। जैसे ये आपका सब डोमेन क्रिएट हो जाए, आप इधर आप देख भी सकते हैं, लिस्ट में होगा ये पूरा डेटा। सो टेस्ट वन, सो ये लास्ट में आप देख रहे हो कि ये क्रिएट हो चुका है, और ये जो डेटा है आपका पूरा हुआ पब्लिक एचटीएमएल में टेस्ट वन का फोल्डर में। नाउ व्हाट नेक्स्ट, गो टू फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर को ओपन कीजिए एंड आई विल गेट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक एचटीएमएल है, इसके अंदर मैं जाता हूँ एंड देन टेस्ट वन। सो आप देख सकते हो यहाँ पे टेस्ट वन है। टेस्ट वन ओपन करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे एक डिफ़ॉल्ट डॉट पीएचपी ऐसा कुछ पेज है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पेज है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, हम अपना कुछ बनाते हैं यार, ठीक है। सो लेट्स डिलीट दिस वन एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल index.html, वेरी बेसिक जो ये फाइल फर्स्ट रन होता है, ओके। सो आई हैव क्रिएटेड दिस फाइल एंड आई एम गोइंग टू ऐड समथिंग। सो अगर आप अभी इसको रिफ्रेश करोगे ना, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये कार्टून्स, ये जो भी टेक्स्ट कंटेंट दिख रहे हैं, ये सब कुछ जा चुका है। तो आप ऐसा कुछ ब्लैंक दिख रहा है। सो लेट मी ऐड समथिंग। सो html start, then इसका हेड ऐड कर देता हूँ, इसके हेड में कुछ टाइटल फिट कर देता हूँ। टाइटल का स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ओके। लेट मी रिमूव दिस वन एंड हाउ टू क्रिएट सब डोमेन, ओके, विद इन 5 मिनट्स। सॉरी आई एम kidding. सो नाउ मैं एक H1 टैग ले रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस वन, आई सेव, आई एम गोइंग टू रिफ्रेश दिस वन। सो इस तरीके से आप देख रहे हैं कंटेंट यहाँ पे रेंडर हो चुका है। तो आप एक सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो, उस सब डोमेन पे कुछ फाइल अपलोड कर सकते हो किसी भी सर्वर पे। जैसा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है होस्टिंगर पे, सेम प्रोसेस आप गोडैडी पे कर सकते हो, या कोई और भी सर्विस प्रोवाइडर है तो वहाँ भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही था इस पूरे वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।